हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सी टी ई टी मार टी ई टी मैथ्स का ये पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 आर, मतलब 100 के कितने फैक्टर्स है। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा, अगर ये समझ लेंगे तो कोई भी फैक्टर्स निकाल पाओगे। 100 का फैक्टर्स निकालना है। 100 किसके टेबल में आता है, सबसे छोटा नंबर 2 के टेबल में आता है। यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर। 2 5 ज़ा 10 और 0। 50 भी 2 के टेबल में आता है। 2 2 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 25। 25 किसके टेबल में आता, 5 के। 5 5 ज़ा 25, और ये 5 किसके टेबल में आता, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, सिर्फ इधर वाले नंबर लो। 2 कितने बार आया, मैं फैक्टर्स निकालने वाला हूँ। 2 कितने बार आया, 2 बार आया। 5 कितने बार आया, वो भी 2 बार आया। ठीक है, 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 लिख दो। 5 कितने बार आया, 2 बार, 5 के ऊपर 2 लिख दो। अब ये जो ऊपर पावर में लिखा है इस पे ध्यान दो, ये 2 है तो 2 में 1 मिलाओ, मल्टीप्लाई। ये 2 है इसमें भी 1 मिलाओ, 2 प्लस 1 कितना हो रहा, 3, मल्टीप्लाई। 2 प्लस 1 कितना हो रहा, 3। 3 3 से कितना होगा, 9। तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं 100 के, 9। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ रहा है ऐसा तो आप ये भी लिख लो कि 100 के फैक्टर्स कितने हैं। इसका मतलब 100 किसके किसके टेबल में आता, 1 के टेबल में 100 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 100 आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 4 के टेबल में आता है 100। 5 के टेबल में भी आएगा 100। 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं आएगा। 10 के टेबल में 100 आएगा, ठीक है। 10 के बाद फिर डायरेक्ट 20 के टेबल में 100 आएगा, ठीक है। 20 के बाद डायरेक्ट 25 के टेबल में आएगा। 25 4 से 100 होता है। 25 के बाद 50 के टेबल में आएगा। 50 के बाद 100 के टेबल में आएगा। 100 1 से 100 इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल क्या आ रहा, 9। 9 मतलब 9 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आएगा। आया समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 50 इज, मतलब 50 के जितने फैक्टर्स है उनका सम निकालो, उनका प्लस करो। 50 ले लो, 50 किसके किसके टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 150। 1 मल्टीप्लाई 50 तो 50 होगा। 2 के टेबल में आएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 10 ज़ा 50। फिर 10 के टेबल में आएगा 50, ठीक है। 10 के बाद, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाओ, ठीक है। 10 के बाद 25 के टेबल में आएगा और लास्ट में 50 के टेबल में आएगा। ये सारे उसके फैक्टर्स है, टोटल 6 फैक्टर है, सबको प्लस करो। 1 प्लस 2 प्लस, क्योंकि उन्होंने बोला है सम निकालना है, इनके फैक्टर्स के सम निकालना है, मतलब इनके प्लस निकालना है, ठीक है। 50 में अगर मैं 25 मिलाऊंगा तो 75 होगा, उसमें 10 मिलाऊंगा तो 85 होगा, उसमें 5 मिलाऊंगा तो 90 होगा, 90 में 2 मिलाऊंगा तो 92 होगा, और उसमें 1 मिलाऊंगा तो 93, मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 84, 84 के कितने फैक्टर्स है ये आप निकालो। नंबर ऑफ फैक्टर्स 84, 1 के टेबल में आएगा, इवन नंबर इसलिए 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, 3 3 30 90 होगा, 87 84, यस 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 420 से 80 होता है, 421 से 84 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आएगा, 660 और 6, ओके 6 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। 6 10 60 होता है, और 14 6 14 से 84 होगा। 7 के टेबल में आता है, 7, ओके 7 के टेबल में भी आएगा। 8 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में 80 आता है और उसके बाद 88 आता है। 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में 60 72 84 आता है, ठीक है। उसके बाद 14 में आएगा, 14 में आएगा, ऑब्वियसली 14 में आएगा। उसके बाद 15 में नहीं आएगा, उसके बाद 16 में देखो, 16 16 में भी नहीं आएगा, 16 5 80 होता है, ठीक है। 14 के बाद अब डायरेक्ट आपका कहाँ पर आएगा, 17 में नहीं आएगा, 18 में नहीं आएगा, फिर उसके बाद 20 में भी नहीं आएगा। आगे देखते जाओ, 84 बोले तो उसका आधा 42 होता है, 42 का आधा 21, मतलब 21 के टेबल में आएगा, ठीक है। 14 के बाद 21 के टेबल में आएगा, ठीक है। 21 के बाद कहाँ पर आएगा, इतना करने से अच्छा मैंने जो तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया वो करो। क्या करो, यहाँ पर ले लो 84, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है तो यही वाला करो, 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21। 3 के टेबल में आएगा, 3 7 ज़ा 21,
और 7 किसके टेबल में आएंगे, 1 के। अब आप देखो 2 कितने बार आया, 2 बार आया, 3 कितने बार, 1, 7 कितने बार आया, 1, 2 कितने बार आया, 2 बार आया, 3 कितने बार आया, 1 बार आया, 7 कितने बार आया, 1, ये 2 है तो 2 में 1 मिलाओ मल्टीप्लाई, ये 1 है ये 1 में 1 मिलाओ मल्टीप्लाई, ये भी 1 है 1 में 1 मिलाओ, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, तो टोटल आपका क्या आंसर आएगा, 12, मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 21 के बाद आपका आपका कौन सा आता था, 28 के टेबल में आता है क्या, देखो, और 42 के टेबल में तो आएगा ऑब्वियसली, 84 के टेबल में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कोई तो भी छूट रहा है हमारा, ठीक है, वो आएगा 84 है ना, तो 30 नहीं 28 के टेबल में, सॉरी 28 के टेबल में भी आएगा, तो ये टोटल 12 कॉमन फैक्टर्स है आपके, प्राइम फैक्टर्स है 84 के, और अगर आपको सिंपल करना है तो ये एकदम फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा।